तो गाइस डेटा एंट्री का काम कितने लोग इंडिया के अंदर करते हैं? आप कहेंगे कि लाखों में करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो वो तो मैं आज की वीडियो में नहीं बताने वाला। कैप्चा का काम कितने लोग इंडिया के अंदर करते हैं? आप कहेंगे लाखों में करते हैं, तो वो भी मैं आज नहीं बताने वाला। अब मैं आपसे कहूँगा कि टाइपिंग का कितना काम इंडिया के अंदर लोग करते होंगे, तो आप कहेंगे लाखों में करते हैं, तो वो भी मैं आज आपको नहीं बताने वाला। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो कितने इंडिया के अंदर लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं? आप कहेंगे लाखों करते हैं, तो वो भी मैं आज नहीं बताऊँगा। क्योंकि जिस काम को ऑलरेडी करने के लिए लाखों लोग लाइन पे लगे हुए हैं, कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है, तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि जो इस तरह के काम हैं वो आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आपको वो काम अभी तक नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि वहाँ पर काम की डिमांड कम है और करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए आपका नंबर आने में सालों साल लग जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं आज आपके लिए एक ऐसी वेबसाइट, एक ऐसा काम लेके आया हूँ, जो उस वेबसाइट पर सिर्फ, अभी अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूँ जहाँ जहाँ ये वेबसाइट यूज़ होती है, सिर्फ 442 लोग अभी इस काम को कर रहे हैं। कितने? सिर्फ 442 अभी तक सिर्फ इस काम को कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि इस काम में आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपको, जब आप यहाँ पर अप्लाई करें तो आपको काम मिल जाए। देखो, मेरी कोशिश ये रहती है कि आपके लिए कुछ यूनिक लेके आऊँ। ऑलरेडी जो सब कर रहे हैं वही आप भी करेंगे या मैं वही बताऊँगा, तो फिर उसमें ना तो आपको काम मिलने के ज़्यादा चांसेस होंगे, ना फिर मेरे बताने का फ़ायदा होगा, क्योंकि आप लोगों को काम मिलने में बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये जो आज मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये जो काम बता रहा हूँ, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे 450 से 500 के बीच में अभी ये सिर्फ लोग काम कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और काम ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए कोई स्किल्स की ज़रूरत हो, नहीं, ना कोई स्किल्स की ज़रूरत है, ना कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, ना किसी डिग्री की ज़रूरत है, ना आपको कहीं ऑफिस जाने की ज़रूरत है। ये सारा काम आपको घर बैठे बैठे करना है। अब काम को आपको पहले मैं सिखाऊंगा किस तरीके का ये काम है और इस काम को कैसे आप कर कर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। जो इस वेबसाइट के थ्रू ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं ये काम कर कर, वो महीने के 1 से 1.5 लाख रुपए भी कमा रहे हैं। ये मैं लाइव आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पर इतनी ज़्यादा इनकम है, क्योंकि आने वाला टाइम इसी का है और बहुत लोग इस स्किल को सीख रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ ये स्किल शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और समझना है कि किस तरीके का ये सारा काम होने वाला है। अब जैसे ऑलरेडी मैंने बताया कि इस काम के लिए आपको बस अपने एक मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास एक मोबाइल है तो इस काम को आप कर सकते हैं। अगर आपका पीसी लैपटॉप है तो वो एक एडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि उस पर आपको वाइड स्क्रीन में सब कुछ वाइड दिखता है। लेकिन अगर आपके पास मोबाइल है तो भी आप इस काम को ईजिली कर सकते हैं। अब कौन सी ये वेबसाइट है, कैसे इस पर आपको काम मिलेगा, कैसे आप इस पर काम कर सकते हैं, कौन सी वो दो वेबसाइट हैं जो आपस में लिंक हैं, जिनके थ्रू आपको दोनों को मिलाकर काम करना पड़ेगा, पहली वेबसाइट से आपको काम सीखना है, दूसरी वेबसाइट पे आपको काम मिलेगा, तो ये सारी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करें शुरू से लेकर एंड तक देखना है। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पहली बार आए, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहे जॉब रिलेटेड। और यार देखो, 2023 है, 2023 के अंदर मैं हर बार बोल रहा हूँ कि YouTube पे से वीडियोस नहीं देखने, YouTube पे वीडियो अपलोड करके भी पैसा कमाना है। आपको नहीं पता कि YouTube चैनल कैसे बनता है, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। आपकी हेल्प के लिए मैंने एक चैनल शुरू किया, टिप्स विद बिस्ट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चैनल पे जाओ, वहाँ पे मैंने वीडियोस डाली हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की, कैसे चैनल बनता है, कैसे ग्रो करना होता है, कैसे एडिट, थंबनेल, ये वो सब कुछ मैंने उस चैनल के अंदर वीडियोस के थ्रू आपको बताया है। तो आप वहाँ पे वीडियोस देखिए, सीखिए। और जो ऑलरेडी यूट्यूबर बन चुके हैं लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो उनकी हेल्प के लिए मैंने एक पॉडकास्ट शुरू किया हुआ है। अब उस पॉडकास्ट में क्या होता है कि आप मुझे मेल करते हैं, मैं आपसे कॉन्टैक्ट करता हूँ, मैं आपके चैनल को लाइव चेक करता हूँ, तो हमारी जो लाइव कॉन्वर्सेशन है ये वीडियो रिकॉर्डिंग में होती है, फिर वो वीडियो मेरे चैनल पर आती है, मेरे चैनल पर आती है। जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, वो उस वीडियो को देखते हैं, आपके चैनल पर जाते हैं, आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं, आपका वॉच टाइम बढ़ता है, आपके व्यूज़ काउंट बढ़ता है, तो उससे आपको बेनिफिट होता है। और साथ ही साथ मैंने आपकी हेल्प के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा खुद का टेलीग्राम ग्रुप है, लगभग 200 सब्सक्राइबर वहाँ पर मेंबर्स होने वाले हैं, जो सारे क्रिएटर्स हैं।
एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप भी अपने चैनल को प्रमोट करवाना चाहते हैं तो उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर वहाँ पर अपना लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, अपनी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो आप बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पर, समझते हैं इस पूरे प्रोसीजर को। तो चले चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो ऐसे देखिए, अब आ चुके हैं आप मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पर, और आपको मैं ये लैपटॉप पे दिखाऊंगा, सेम आपको अपने मोबाइल पे करना है। तो आपको अपने मोबाइल पे सबसे पहले गूगल क्रोम होगा, उसको ओपन कर लेना है। और जैसे ही आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे लिखना है वर्ड स्ट्रीम, स्पेलिंग देख लीजिए WORDSTREAM, वर्ड स्ट्रीम लिख के आपको एंटर मारना है। और जैसे ही आप वर्ड स्ट्रीम लिखेंगे, आप देखेंगे सबसे पहली वाली वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए ये वेबसाइट आखिर है क्या, वर्ड स्ट्रीम, देखिए यहाँ पे स्टॉप वेस्टिंग मनी इन गूगल एड्स, तो यहाँ पे आखिर होगा क्या वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है। गूगल पे वर्ड स्ट्रीम आप लिखेंगे तो सबसे पहली वाली वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। अब इस वेबसाइट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले देखिए हम वेबसाइट को हमेशा चेक करते हैं स्कैम एडवाइज़र पे, तो यहाँ पे मैं स्कैम एडवाइज़र पे चेक करता हूँ कि क्या ये वेबसाइट वाकई में रियल है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वेबसाइट कोई स्कैम करती हो। तो यहाँ पे मैं वर्ड स्ट्रीम लिखता हूँ और मैं चेक करता हूँ, वर्ड स्ट्रीम मैंने लिख दिया, और यहाँ पे wordstream.com का रिव्यूज़ आप चेक करेंगे तो 100 में से 100 है। गाइज आप लोगों के सामने मैंने दिखाया कि वर्ड स्ट्रीम का जो ट्रस्ट स्कोर है वो 100 में से 100 है। आप यहाँ पे देखेंगे तो नीचे मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि आप ये वेबसाइट कितने टाइम से काम कर रही है। और सबसे पहले तो देखिए, जब भी आप किसी वेबसाइट पर काम करते हैं आप देखते हैं कि ट्रस्ट पैलेट पर उसका रेटिंग क्या है। अब यहाँ पे आप देखिए ट्रस्ट पैलेट पर 3.5 है, यानी कि अच्छी रेटिंग इनको मिली हुई है 84/10, यानी कि लगभग 94% 4 स्टार से ऊपर की इनकी रेटिंग है। तो आप इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं। और मैं एक बार वेबसाइट भी आपको दिखा देता हूँ कि ये वेबसाइट जो है कितने टाइम से वर्क कर रही है, क्या इस वेबसाइट का रेवेन्यू है एनुअल का, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर अभी आप देखने वाले हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप किसी गलत वेबसाइट पर रिडायरेक्ट ना हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2007 से ये वेबसाइट रनिंग पे है, तो अभी 2023 है, तो लगभग यहाँ पे 16 साल इस वेबसाइट को हो गए हैं। और एम्प्लॉयज़ की बात करूँ, देखिए 51 से 200 के एम्प्लॉयज़ हैं और US में इनका हेडक्वार्टर है। एनुअल रेवेन्यू आप चेक करेंगे तो 25 मिलियन से 50 मिलियन है। जो सबसे खास बात है वो है टोटल विजिट, आप टोटल विजिट यहाँ पे चेक कीजिए 2.5 मिलियंस पर मंथ, यानी कि 2,10,000, यानी कि 20,50,000 यहाँ पर मंथली जो है विजिटर्स आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ये वेबसाइट होने वाली है। चलो अब वापस अपनी वेबसाइट पे आ जाते हैं। अब ये wordstream.com हमारी वेबसाइट हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए बेसिकली आपको करना क्या है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको वो सिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको इस वेबसाइट पे थोड़ा सा नीचे आना है। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है ग्रेट व्यू ऑफ फ्री रिपोर्ट, इसे हमें कुछ नहीं करना। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आएगा ग्रेट माई अकाउंट, इस पर आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे स्टार्ट नाउ का एक ऑप्शन आ रहा है, इसे भी हमें कुछ नहीं करना। कीप रीडिंग का हमें कुछ नहीं करना, हमें और नीचे आना है। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है फाइंड माय कीवर्ड। अब ये क्या चीज़ है, अब यहाँ पे देखेंगे हंड्रेड्स ऑफ रेवलेंट कीवर्ड सजेशन टेलर टू योर इंडस्ट्री एंड लोकेशन विथ कीवर्ड वॉल्यूम एंड कॉस्ट पर क्लिक डेटा और यूजिंग द लेटेस्ट गूगल सर्च डेटा। यानी कि सिंपल सा है कि यहाँ पर हमें वो कीवर्ड्स मिलते हैं जो गूगल पर रैंक कर रहे होते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर SEO होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फाइंड माई कीवर्ड्स पर क्लिक करेंगे। जब आप फाइंड माई कीवर्ड्स पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर देखिए जैसे कि हमें किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर कीवर्ड सर्च करने हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ ऑनलाइन अर्निंग और फाइंड माई कीवर्ड्स पर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ऑनलाइन अर्निंग है ऑल इंडस्ट्री से और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स से है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे और हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर जादू आप देखेंगे कुछ समय का यहाँ पर टाइम लगेगा, देखिए इंक्रीजिंग हो रहा है और हमें ये वो ऐसे कीवर्ड्स ढूंढ के देगा जिनका SEO सबसे ज़्यादा होगा, जो सबसे ज़्यादा डिमांड में होंगे। अब आप गाइज यहाँ पे आप चेक कीजिए $2.84 मिल रहे हैं आपको सिर्फ इस वाले कीवर्ड्स पे, मेक मनी ऑनलाइन। समझ रहे हैं आप कि कितना ज़्यादा ये जो कीवर्ड है ये रैंक पर है, जहाँ पर सिर्फ इस कीवर्ड एक कीवर्ड के $2.84 मिल रहे हैं। अगर मैं इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करता हूँ तो लगभग 220 रुपये के आसपास यहाँ पे एक कीवर्ड के हैं।
ये तो और भी कुछ नहीं, इससे अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 3.53 है, 2.17, 2.93, यहाँ पे देखिए 4.06 मिल रहा है मेक मनी ऑनलाइन टुडे पर। तो यहाँ पर इस कीवर्ड को दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि ये वो कीवर्ड्स हैं जिनका यूज़ कर कर आप पैसा कमाएंगे। जी हाँ गाइज, यहाँ पे मैंने आपको वेबसाइट दिखाई है, अब इन कीवर्ड्स को आपको सिंपली कॉपी कर लेना है और कहीं भी इनको आपको नोटपैड पे लिख लेना है। जैसे मैं यहाँ पे वो कीवर्ड्स लिख देता हूँ, ये देखिए मेक मनी ऑनलाइन मैंने लिख दिया, इसी तरह से ये दूसरा वाला कीवर्ड है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके लिख लूँगा। तो ये सारे कीवर्ड्स आपको लिख लेने हैं ताकि आपके ये कीवर्ड्स सेफ रहें और आप इनका आगे यूज़ करें। इसी तरह से यहाँ पे जैसे ये वाला है, तो जो जो यहाँ पर आपको मीडियम वाले दिख रहे हैं, हाई रैंक वाले दिख रहे हैं, वो सब आपको कीवर्ड कॉपी कर लेने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड कॉपी कर लिया, अब इन कीवर्ड को जब आप कॉपी कर लेंगे तो काफ़ी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो कीवर्ड्स यहाँ पे आपके लगभग 500 से ज़्यादा कीवर्ड्स हैं जिनको कि आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और डाउनलोड ऑल कीवर्ड्स पे आप अगर क्लिक करेंगे तो इन कीवर्ड्स को आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं अपना ईमेल एड्रेस डालकर। अब इसका यूज़ कैसे करना है, देखो अभी इसका यूज़ आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और आपको देखिए सिंपल सा यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए आप देखेंगे कि इस कीवर्ड्स को जहाँ पर ये कीवर्ड्स को सिर्फ सर्च कर कर देते हैं क्लाइंट्स को, अभी सिर्फ लोग कितने काम कर रहे हैं, 425 सर्विसेज अवेलेबल हैं, यानी कि सिर्फ 425 लोग अभी पूरे इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर इस काम को कर रहे हैं इस वेबसाइट पर। तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि अगर आप यहाँ पर काम करेंगे तो आपको यहाँ से सक्सेस जल्दी मिलेगी। साथ ही आप रेट देखिए यहाँ पर, अब ये कह रही हैं कि आई विल प्रिपेयर लिस्ट ऑफ ब्लॉक टॉपिक आइडियाज़ एंड फोकस कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स लिख के देंगी। और ये कितना पैसा मांग रही हैं, 8,598 रुपये गाइस। मैं इनको अगर नहीं भी मानता तो यहाँ पे आप देखिए 162 ऑर्डर्स अब तक ये कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ पे देखिए 860 रुपये एक ऑर्डर्स के लेते हैं। तो आप समझ के देखिए कितना सारा पैसा यहाँ से कमा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 101 ऑर्डर्स कर चुके हैं, 430 रुपये ये ले रहे हैं। 17 ऑर्डर्स कर चुके हैं, 8,598 रुपये लेते हैं। अब ये देखिए 33,962 रुपये गाइज, अब मैं इस चीज़ को क्या बोलूँ आपको, 33,000 सिर्फ एक ऑर्डर्स के ये ले रहे हैं और 10 ऑर्डर ये कर भी चुके हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 1720 है, 860 है, 15,047 रुपये है, 17,000 है, 7,000 है, 860 है, 860 है, यानी कि हर तरह के यहाँ पर आपको लेवल्स मिल जाते हैं काम करने के। जो SEO यहाँ पर ये सिर्फ आपको जो कीवर्ड्स हैं वो लिख के दे रहे हैं। अब देखिए जैसे कि मैं आपको ये वाला दिखा देता हूँ, जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये पूरी प्रोफाइल हमारे सामने आ गई है। अब यहाँ पर ये क्या कहती है, यहाँ पे देखिए आप ये ऑफर कर रहे हैं कि वेल रिसर्च ब्लॉग टाइटल डिज़ाइन मैक्सिमम रीच, तो ये कीवर्ड्स देंगे। अब क्लाइंट्स आपको क्या बोलेगा कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर कीवर्ड्स चाहिए जो कि रैंक करते हों, जो कि गूगल में जल्दी से सर्च करें। अगर आपको अब आप डायरेक्टली जाएंगे तो आपको नहीं पता होगा कि ऐसे कौन से कीवर्ड्स होते हैं, लेकिन अगर आप वेबसाइट के थ्रू जाएंगे उस वेबसाइट के थ्रू आपको सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो आप कॉपी करके क्लाइंट्स को दे देंगे। अब इससे वो जब उस कीवर्ड्स को अपने किसी भी ब्लॉग में लिखेंगे या किसी वेबसाइट पर डालेंगे तो उनकी वेबसाइट वो रैंक करती है। तो इस तरह से यहाँ पर क्लाइंट्स आपको काम देते हैं। अब देखिए यहाँ पर अकाउंट बनाने के लिए आपको सिंपल सा करना क्या है, इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक आपको वीडियो दूंगा, या फिर आप सीधे गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद आप यहाँ पे आपको यूट्यूब पे जाना है और यूट्यूब पे आपको सर्च करना है फाइवर में गिग, और यहाँ पे लिख देना है जॉब सीकर्स। ध्यान रखना है फाइवर में गिग लिखना है और जॉब सीकर्स लिखना है, उसके बाद एंटर मारना है। जैसे आप ये एंटर मारेंगे यहाँ पे देखिए सबसे पहली वाली वीडियो आपको मिल जाएगी, फाइवर में गिग कैसे बनाएं। तो इस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देख लेना है, इसमें मैंने पूरी डिटेल्स में बताया है कि कैसे फाइवर में आप गिग बनाते हैं, गिग बनाने के बाद कैसे उस प्रोफाइल को कंप्लीट करते हैं और कैसे आपको फिर उस प्रोफाइल के थ्रू काम मिलना शुरू होता है। अब जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सिर्फ 425 लोग अभी इस काम को कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम है, सिर्फ 425 है। तो अगर आप अभी यहाँ पर अगर अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, अपना एक गिग बना लेते हैं, तो आपके पास बहुत बेहतरीन मौका है कि यहाँ से आपको जल्दी से जल्दी काम मिल जाए। तरीका मैंने आपको बता दिया कि सिंपल तरीके से आपको कीवर्ड को सर्च करना है, वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, बस आपको अभी से अभी जिस तरीके से मैंने समझाया उस तरीके से यहाँ पे अप्लाई करना है। कोई भी डाउट हो, कोई परेशानी हो गिग बनाने में, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। थैंक यू गाइज। तो गाइज देखा भी आपने, यहाँ पर मैंने आपको कोशिश करी कि सारी चीज़ें डिटेल्स में बता सकूँ, इसी तरीके से आपको करना है। और यहाँ पर देखो पहली जो वेबसाइट है वो तो आपको ये बताती है कि किस तरह से आपको कीवर्ड सर्च करने हैं, सारे कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे। अब सिंपल से उन
कीवर्ड्स को आपको कॉपी कर कर अपने पास सेव कर लेना है, या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो क्लाइंट से आपको जिस भी टॉपिक के ऊपर कीवर्ड्स मांगा जाएगा, आप सिंपली उस टॉपिक कीवर्ड को सर्च करेंगे और उसको कॉपी कर कर क्लाइंट्स को सेंड कर देंगे। ये हाई रिकमेंडेशन के थ्रू आपको जो है कीवर्ड्स मिलते हैं, तो इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे क्लाइंट्स को 101% फ़ायदा ज़रूर होता है, जिससे कि वो आपको अच्छे खासे पैसे देता है। तो ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया किस तरीके से आपको गिग बनाना है, वो सारी डिटेल्स मैंने आपको दी है। तो अभी से अभी जिस तरीके से मैंने आपको समझाया उस तरीके से अप्लाई कीजिएगा। कहीं कोई डाउट लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी जॉब रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।